हाय गाइज, माय सेल्फ प्रवीण गिरी एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एंड टेक। गाइज, आज की हमारी वीडियो की टॉपिक है कि सिबली कॉलेज के यूजी मीन बीए बीएससी बीकॉम के सेकेंड ईयर व फाइनल ईयर का एडमिशन फॉर्म इजली कैसे सबमिट करें। तो गाइज, हम कुछ नॉर्मल से स्टेप फॉलो करके इजली अपने फ़ोन से ही सिबली कॉलेज का जो भी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है उसको हम इजली फिल कर सकते हैं। तो आइए गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम गूगल ओपन कर लेंगे और गूगल पे सर्च मारेंगे सिबली कॉलेज। जैसे सिबली कॉलेज सर्च मारेंगे तो सिबली कॉलेज की जो मेन वेबसाइट है सिबली कॉलेज ऑनलाइन .in वो बिल्कुल फ्रंट नंबर पे ओपन हो जाएगी, तो उस पर ओके कर देंगे। तो गाइज, फिर यहाँ पे दिखा, जैसे कि आप देख रहे हैं जिसको मैंने अंडर मार्क कर रखा है एडमिशन फॉर्म फॉर यूजी सेकेंड ईयर व फाइनल ईयर, यहाँ पे ओके करेंगे। तो यहाँ पे ओके करने के बाद देखिए गाइज, कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। इसमें आपको प्रीवियस ईयर का, अगर आप फाइनल ईयर का भर रहे हैं तो सेकेंड ईयर का, मतलब आपको इसमें रोल नंबर फिल करना है। और उसके बाद रोल नंबर फिल करने के बाद, तो मैं रोल नंबर फिल कर रहता 1920102 84, और सेकेंड ऑप्शन पे आपको अपने फादर का नाम डालना है। मैंने अपना फिल कर दिया और उसके बाद जो कैप्चा कोड है 3PUD करके वेरीफाई रिकॉर्ड कर देंगे। इससे वेरीफाई रिकॉर्ड करने का मीन हो जाएगा कि ये जो डाटा है वो डाटा से मैच करके वेरीफाई करेगा कि आपके द्वारा जो डिटेल दी गई है वो उस मेन डाटा में है या नहीं है। तो गाइस, जैसे कि पे ओके करेंगे, कुछ ऐसा फॉर्म ओके होगा। तो सब्जेक्ट वन में कॉमर्स डाल देंगे और सेकेंड नंबर पे कॉमर्स, मतलब जो सेकेंड ऑप्शन वो डाल देंगे। थर्ड सब्जेक्ट में जो थर्ड नंबर पे ऑप्शन वो इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम ऑटोमेटिकली ऑलरेडी फिल कर रखा तो फिर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम इंटर कर देना है। उसके बाद अपनी आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो उसमें डेट ऑफ बर्थ सेक्शन में ओके कर देना है। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देता हूँ 7/7/3/2001, 7 मार्च 2001। उसके बाद गाइस, नेक्स्ट ऑप्शन पे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और रिलीजियस में हिंदू, अगर आप हिंदू हो तो हिंदू डाल सकते हैं, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम डाल सकते हैं। उसके बाद मैरिज स्टेटस में सिंगल या फिर आपकी शादी होगी तो आप डाल सकते हैं। तथा ब्लड ग्रुप में आपका जो भी ब्लड ग्रुप है वो एंटर कर दीजिए। तथा नेशनलिटी में वो ऑलरेडी इंडियन है तो उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद गाइस दिखा रहा है पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे आपको अपना फुल एड्रेस इंटर करना होगा। मीन जो भी डाटा में है या फिर आपका जो आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस है उसको एंटर कर देना। तो मैं अपना पूरा एड्रेस इंटर कर देता हूँ, ग्राम पोस्ट बिंदु मठिया व्यासगिरी, आपका जो भी एड्रेस है वो आप इंटर कर दीजिएगा, मुबारकपुर आजमगढ़। और अगर आप चाहें तो आप इसको कॉपी करके परमानेंट एड्रेस में पेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर पेस्ट नहीं भी करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसमें भी फिल हो जाएगा। मैं एक बार कॉपी करके पेस्ट ही कर देता हूँ। तो अपना एड्रेस को मतलब जो, अगर आपका पोस्टल एड्रेस वो परमानेंट एड्रेस सेम है तभी कॉपी करें, अगर परमानेंट एड्रेस कुछ चेंज है तो उसको फिर से आप मतलब उसको फिर से फिल करें, यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में सिटी, आपकी जो भी सिटी आती है वो इसको इंटर कर देंगे। तो मैं यहाँ पे अपना आजमगढ़ डाल दे रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट में भी आजमगढ़ डाल दे रहा हूँ। स्टेट में अगर आप यूपी से हैं तो यूपी डाल देते हैं, अगर कहीं अदर से हैं तो आप अदर फिल कर सकते हैं। तथा पुलिस स्टेशन में मुबारकपुर, और आपका जो भी पिन कोड है, मेरा 2764 04 है तो मैं इसको एंटर कर दूंगा। और गाइस नीचे देखिए एक ऑप्शन शो कर रहा है कॉपी दिस एज ए सेम एड्रेस। तो अगर हम जब उस पर ओके कर देंगे तो जो हमारा पोस्टल एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है दोनों सेम हो जाएंगे। अब गाइस स्क्रॉल करके हम नीचे जाएंगे, तो जैसा कि देख रहे हैं पोस्टल एड्रेस तथा परमानेंट एड्रेस सेम हो रखा है। अब आपको मोबाइल नंबर फिल कर देना तथा उसके नेक्स्ट ऑप्शन पे ईमेल आईडी, आपकी जो भी ईमेल आईडी है इस वाले ऑप्शन पे आप अपनी ईमेल आईडी डाल दें। तो मैं अपना pranav.giri125@gmail.com डाल देता हूँ।
अब इस उसके नेक्स्ट ऑप्शन पे पेरेंट्स इनकम, तो आप अपने पेरेंट्स की इनकम जिस हिसाब से भी हो वो डाल दीजिए। अगर आपके फादर मतलब बिजनेस वगैरह में है तो आपकी ये उनकी इनकम ज़्यादा हो सकती है, उस हिसाब से आप इनकम डाल सकते हैं। तो मैं अप टू 1 लाख पे ओके कर दे रहा हूँ। और एक बात का ध्यान रखें कि जो भी ईमेल आईडी डालें वो एक्टिव ईमेल आईडी हो, क्योंकि उस पे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर फॉर्म नंबर जो हम सबमिट कर रहे हैं उसका नंबर उस पे जाएगा और उस पे कैप्चा कोड इंटर करके सबमिट कर देंगे। तो गाइज कैप्चा कोड इंटर करने के बाद रजिस्टर प्रोफाइल पे ओके कर देंगे। जैसे ही रजिस्टर प्रोफाइल पे ओके करेंगे हमारा फॉर्म जो है देखिए कुछ ऐसे फिर ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जिसमें कि शो कर रहा है कि आपका वो जो फॉर्म है सबमिट हो गया, तथा जो ये जो फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके ईमेल आईडी पर भी सेंड कर दी गई है। तो अब उसके जो नेक्स्ट ऑप्शन पे आएगा हमको पेमेंट करनी है, मीन जो भी बीकॉम फाइनल ईयर की जो भी फीस है उसको हम यहाँ से पेमेंट कर। फिर उसके बाद हम मेक पेमेंट पे ओके करेंगे, और मेक पेमेंट पे जैसे ही ओके करेंगे तो कुछ ऐसा पेज नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें कि रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी दिया होगा और सॉरी फॉर्म नंबर, और फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ व कैप्चा कोड इंटर करके जो फीस डिपॉजिट का प्रोसेस है उसको उस पर ओके कर देंगे। MXLE डिपॉजिट पे ओके कर देंगे। इसके बाद गाइज कुछ ऐसा पेज हमारे सामने ओपन होगा कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, डेबिट कार्ड प्लस ATM से या इंटरनेट बैंकिंग से। तो मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ तो डेबिट कार्ड पे ओके कर दूँगा। और डेबिट कार्ड पे जैसे ही ओके करेंगे तो डेबिट कार्ड की जो भी डिटेल होती हैं आपके सामने आ जाएंगे, उसको आपको फिल करना होगा। मतलब जैसे कि डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV, कार्ड होल्डर नंबर। तो जैसा कि शो कर रहा है 3875 रुपये फीस है, उसको पे करने के लिए हम कार्ड नंबर फिल कर देंगे, एक्सपायरी डेट, CVV और कार्ड होल्डर नेम, और मेक पेमेंट पे ओके कर देंगे। जैसे ही मेक पेमेंट पे ओके करेंगे तो एक वन टाइम पासवर्ड आपके नंबर पे जाएगा, वो यहाँ पे एंटर करके मेक पेमेंट पे डन कर देंगे। इससे क्या होगा, सक्सेसफुली आपकी जो पेमेंट है वो हो जाएगी और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो हम OTP डाल देते हैं और मेक पेमेंट पे ओके कर देते हैं। तो जैसे ही देख रहे हैं कि मेक पेमेंट फाइनली सबमिट हो गया तो अब कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का लास्ट प्रोसेस है, इसके बाद आपका सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट हो जाएगा एडमिशन फॉर्म। इसमें क्या दिखा रहा है, आपको ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो प्लस सिग्नेचर अपलोड करना, जो कि 5 से 15 KB के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा का गाइज। तो इसके लिए आप कोई एप्लीकेशन से अपने पिक और सिग्नेचर को क्रॉप कर लीजिएगा ताकि जो सिग्नेचर की साइज है। और तो हम इसको प्रीव्यू पे करेंगे, प्रीव्यू पे करके तो सब कुछ सही हो कर रहा है, सेव पे ओके कर देंगे। तो गाइज जैसे ही हम सेव पे ओके करेंगे फिर सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस पे सबमिट कर देंगे। और सबमिट करते ही जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब गाइज इसमें एक बार सारी डिटेल चेक कर लेंगे कि हमने जो भी डिटेल फिल करी वो सब कुछ सही तो है ना, और जब वो सारी डिटेल सही हो तो इसका PDF फाइल निकलवा लेंगे और जो भी मेन सिग्नेचर थंबनेल वगैरह मेंशन इसमें दिया हुआ है। तो मेंशन डिटेल फिल करने के बाद जैसे गाइस देख रहे हैं कि एडमिशन का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। अब इसकी जो एक फ़ोटोकॉपी करवा लेंगे और वो फोटोकॉपी को एक अपने पास रख लेंगे तथा एक कॉलेज में सबमिट कर देंगे। गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक कमेंट तथा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए तथा